होपली आप लोग सब ठीक हैं। और मीटिंग बनाने से पहले मैं आप लोगों को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ बेबी कैप। उससे पहले मैंने इसकी 60 फंदे लिए हैं और अब मैंने इसका बॉर्डर तैयार कर लिया, जिससे आगे ये आपको उल्टी और सीधी सिलाई में बॉर्डर तैयार करना है। और अब मैं आपको उल्टी उल्टी सिलाई दूँगी, ठीक है, आप मेरे साथ। ऐसे हमें उल्टी उल्टी सिलाई ले, ये हम लोग इसकी पहली सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। इसके लिए आपने जितना आप चाहें तो इसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बेबी की कैप है, इसके लिए आपको इसके हिसाब से ही तैयार करना है। ये हम इसकी पहली सिलाई मुकम्मल करने जा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसकी सिलाई आप मोटी सिलाई पर ले लें, ताकि अगर जब आप इसको मोटी सिलाई पर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके आपने ऐसे ही सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। अगर आपको इसके फंदे डालने सीखने हैं तो मैंने एक इसकी वीडियो पहले बनाई हुई है, आप वहाँ से फंदे डालने सीख सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये कैप का जो हिस्सा है ये सब मुकम्मल कर दिया। नीचे जब हमने बॉर्डर बनाया था ये ऊपर से हमने गार्ड स्टिच किया और ये हमारा एक हाथ बन रहा है। अब मैंने इसको दो की सिलाई को एक करते हुए इसकी सिलाइयों को कम करना है। हमने दो फंदे लेने हैं और उसे एक करना है, हम तीन का एक करेंगे। इस तरह आपने करते करते इसकी सिलाइयों को कम करते जाना है, जब तक कि इनकी सिलाइयाँ कम नहीं होती। देखिए कुछ इस तरह हम इसकी सिलाइयों को करते जाएंगे। नहीं आप इसको भी दो में करें इस तरह, जब तक कि आपकी सिलाइयाँ कम ना हो। दो का एक ही करेंगे। ये देखें, ये हमने इसकी स्टिचेस कम किया है और मतलब इसके फंदे कम किए। अब हम इसको एक और स्लाइस पे कम करेंगे, दो का एक बनाएंगे। एक कर दिया, दो का एक करते जाना है ऐसे ही हमने। जब तक कि आपके पास थोड़े फंदे ना रह जाए। ये देखिए, ये हमने इसके लास्ट सिलाई इसको मुकम्मल कर लिया, ये हो गई हमारी मुकम्मल। ये देखिए, ये इतनी हमारी सिलाई हो गई है जो हमने इसको कम किया। ये देखिए, हम इसको इससे काट देंगे। ये देखिए, हमने इसमें धागा डाल लिया और हम इसको स्टिच करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एक एक कर कर इसको सुई पर उतारना है। ये देखिए, ये आप इस पर डालते जाएं, क्योंकि इसके फंदे कम हो चुके हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारे इस पर डाल गए। ये देखिए, आपने इसको गिरा लगा देना। ताकि इसमें होल ना रहे। अब हमने इसको
इसी तरह स्टिच कर देना। आप इसको ऐसे करते करते स्टिच करते हैं। देखते जाएं कि कैसे इसको करना है। देखते जाएं इसको। आप इसको मुकम्मल करके इस तरह हम करके इसको लास्ट पर ऐसे घिरा लगा। अच्छा कट कट, ये देखिए हमारी कैप तैयार हो गई है। अब हमने इसका ऊपर बनाना है फूल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फूल कैसे बनाना है। पहले हमने ये धागा लेना है और इसको हाथ पर ऐसे करते आप जितना चाहें इसको कर सकते हैं। ये आप इसको इसी तरह बांध लीजिए। बाद में आप इसकी इस तरह कटिंग कर दें। ये देखिए इस तरह ये फूल तैयार हो जाएगा। आप इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर सकते हैं, इसको मतलब आप थोड़ा सा ऐसे कर लें ताकि ये अच्छा लगे। ये स्टॉप करो। ये देखिए जो हमने ये फूल बनाए थे इसको हमने ये इसकी इस तरह लेके इसको इस तरह अंदर ले जाना और इससे हम इसको निकाल देंगे बाहर। स्टॉप कर, ये देखिए ये हम इसको इस तरह बांध देंगे इस तरह इसको, ताकि आप लोगों को चाहिए कि इसको जोर की गांठ बांधे ताकि खुले ना। स्टॉप स्टॉप, कैंची से काट देंगे जो एक्स्ट्रा और इसको हम सीधा कर देंगे तो ये कैप कुछ इस तरह की बनेगी। होपली आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।